पांच हजार से दस हजार रुपए के बीच में अप्रोक्सीमेटली पंद्रह साउंड बार्स आती हैं जिनमें से दस मैं आपको रेकमेंड ही नहीं करने वाला हूं क्यों क्योंकि उससे बेटर ऑडियो सिग्नेचर मैं आपको आज इस वीडियो में सुनाने वाला हूं हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वी मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको जो बेस्ट साउंड बार्स इन इंडिया का वीडियो दिखाने वाला हूं वो मेरे साउंड बार के वीडियो से भी अच्छा है और ऐसा वीडियो आपने पूरे YouTube पे आज तक नहीं देखा होगा ये VM1 गारंटी है बेस्ट साउंड बार्स तो मैं आपको बताऊंगा ही लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी हैं साउंड बार खरीदने से पहले अगर आपका पर्पज सिर्फ अपने टीवी की कम वॉल्यूम को थोड़ा सा एनहेंस करने का है तो आपको एक बजट साउंड बार खरीदनी चाहिए ज्यादा पैसे भी मत डालिए आपको महंगी साउंड बार की जरूरत नहीं है अगर आपका पर्पस म्यूजिक सुनने का है तो आपको साउंड बार लेनी ही नहीं चाहिए आपको एक 2.1 लेना चाहिए क्योंकि सबसे अच्छा म्यूजिक आपको 2.1 सिस्टम के अंदर सुनाई देगा और अगर आपको प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो या तो आपको एक 5.1 साउंड बार या फिर आपको एक 5.1 पॉइंट प्रॉपर होम थिएटर खरीदना चाहिए आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट साउंड बार से आपको प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप गलत सोच रहे हैं आप एक साउंड बार को पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसकी वॉटेज बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि उसकी वजह से उसका ऑडियो सिग्नेचर बहुत शानदार होगा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कभी भी टोटल वॉटेज के हिसाब से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो साउंड बार अच्छी होगी या बुरी एक कम वोल्टेज का सिस्टम या साउंड बार बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड कर सकता है और एक हाई वोल्टेज की साउंड बार भी बहुत पुअर साउंड कर सकती है डिपेंड करता है कि आपको कैसा ऑडियो सिग्नेचर पसंद है आपके रूम के अकूस्टिक्स कैसे हैं और वो साउंड बार अपनी टोटल वोल्टेज की पावर डिलीवरी किस तरह से यूज कर रही है इसे पूरी तरह से समझने और जानने के बाद आप एक सही साउंड बार अपने लिए खरीद पाएंगे और मैं इस वीडियो में आपकी वही मदद करने वाला हूं अक्सर मुझसे लोग कमेंट करके सवाल पूछते हैं कि क्या एक्स्ट्रा बेस के लिए वो अपनी साउंड बार के अंदर एक एक्स्ट्रा सब वो एड कर सकते हैं अगर आप भी यही मुझसे जानना चाहते हैं तो सिंपल जवाब है नो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते लेकिन आप एक सही काम पहले कर सकते हैं आपको एक ऐसी साउंड बार लेनी चाहिए जिसके ऑडियो सिग्नेचर में हैवी बेस हो और ऐसी साउंड बार बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए जिसमें आपको बैलेंस्ड ऑडियो मिल रही हो इसको ध्यान में रखकर अगर आप अपनी साउंड बार की परचेज पूरी करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सब की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी साउंड बार को खरीदने से पहले अपने टीवी की कनेक्टिविटी ऑप्शंस को उस साउंड बार की कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ मैच करके देखिए उसके बाद खरीदिए अक्सर आप में से कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि पहले साउंड बार खरीदते हैं और उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि एच पोर्ट तो मेरे टी में है ही नहीं अब मैं इसे कैसे कनेक्ट करूं पहले सोचिए समझिए क्लिक करके बाय करने का ऑप्शन तो हमेशा ही रहता है एक साउंड बार आपको वर्चुअल सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस दे सकती है क्या आपने वर्चुअल वर्ड पे ध्यान दिया वर्चुअल का मतलब आप इस तरह से समझिए कि आपको सराउंड साउंड का थोड़ा सा एहसास होगा लेकिन एक्चुअल सराउंड साउंड आपको या तो 5.1 चैनल साउंड बार से मिलेगी बट मेरे हिसाब से वो भी वर्चुअल है और असली सराउंड साउंड आपको एक 5.1 चैनल होम थिएटर से ही मिल सकती है इसलिए कभी भी एक 2.1 पॉइंट साउंड बार से यह एक्सपेक्ट ना करें कि वह आपके रूम को पूरी तरह आवाज से फिल कर देगी आवाज लाउड हो सकती है लेकिन सराउंड होने में बहुत सारे स्पीकर्स लगते हैं और चारों तरफ लगते हैं इसलिए गलत एक्सपेक्टेशंस अगर आपको कोई ब्रांड अपनी मार्केटिंग में देने की कोशिश कर रहा है तो उससे ज़रा बच के रहें अब जो साउंड बार्स मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूं उसमें आप ऑडियो टेस्ट भी सुनेंगे लेकिन वो ऑडियो टेस्ट 90 परसेंट कॉम्प्रेस होकर आप तक पहुंचेगा क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा ही होता है इसके लिए एक ही सोल्यूशन था और वो ये है कि मैंने इन सभी साउंड बार्स से चार अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स जो कि अलग अलग जॉनरा के हैं उन्हें रिकॉर्ड करके अपनी ड्राइव पे अपलोड किया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप अगर उन्हें सुनेंगे तो आपको एग्जैक्टली exactly पता चलेगा कि वो साउंड बार जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं वो एक्चुअल में साउंड कैसा करती है लेकिन वो साउंड सुनने से पहले आपको कुछ और बताता हूं ये जितने भी सॉन्ग्स हैं उनमें सेम ऑडियो टेस्ट परफॉर्म करा गया है जो कि सेम चार सॉन्ग्स का है इसके अलावा हर साउंड बार से एक मूवी सीक्वेंस को भी रिकॉर्ड करा गया है और वो इसलिए किया गया है क्योंकि आप साउंड बार को सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए नहीं खरीद रहे आप उसे टीवी के साथ भी लगाएंगे और आपको यह पता होना चाहिए कि टीवी के साथ लगाने के बाद एक साउंड बार में मूवी चलाते समय कैसी ऑडियो आती है आपको यह भी बता दूं कि इन बार से चाहे म्यूजिक चाहे मूवी सीक्वेंस उसे रिकॉर्ड करने के लिए हमने दो माइक्रोफोन्स का यूज किया है जिसे हमने इस तरह से रखा था ताकि आप तक स्टीरियो आउटपुट पहुंच सके और क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल फेयर रहे हमने इन दोनों माइक्स को सभी साउंड बार्स के लिए बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे रखा था और इन सभी साउंड बार्स को हमने 75% वॉल्यूम पे करके रिकॉर्ड किया विद फुल बेस एंड फुल ट्रेबल ताकि आपको एग्जैक्टली exactly वैसी ऑडियो क्वालिटी सुनाई दे जैसी हम यहां स्टूडियो में सुनते हैं और इस ऑडियो क्वालिटी को सुनने के बाद आप अपने लिए एक सही साउंड बार डेफिनेटली खरीद पाएंगे उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करिएगा और ऑडियो क्लिप्स को जरूर सुनिएगा अब हम बात करते हैं पांच हजार से नीचे यानी अंडर फाइव थाउजेंड की साउंड बार्स के बारे में और इस प्राइस कैटेगरी के अंदर आपको जितनी भी साउंड बार्स मिलती हैं उनमें आपको सब साथ में नहीं मिलता यानी आपको सोलो साउंड बार्स मिलेंगी और चाहे ब्रांड जितनी मर्जी मार्केटिंग कर ले आप जितनी मर्जी सेटिंग चेंज कर ले आपको वो बेस कभी भी नहीं मिल पाएगी उस साउंड बार से जो आपको एक सॉन्ग या फिर म्यूजिक में मिलनी चाहिए ये है सारे कंटेंडर्स इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट के और मेरे हिसाब से जो विनर होना चाहिए इस साउंड बार के कंपटीशन में इस प्राइस ब्रैकेट में वो है म्यूलो अरीना 5000 म्यूलो अरीना 5000 के अंदर आपको एक साउंड बार और सब दोनों मिलते हैं इसकी साउंड बार के अंदर दो स्पीकर्स लगे हैं टेन वॉट ईच के और ट्वेंटी फाइव वॉट का सब है जो कि टोटल आउटपुट बनाता है फोर्टी फाइव वॉट इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत शानदार है और इसे मैंने पहले भी रिव्यू किया है इस साउंड बार में कोई खास कमी थी नहीं और मैंने अपने फुल रिव्यू के अंदर इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है आप उसे भी चेक कर सकते हैं लेकिन आज की डेट में क्या मैं आपको यह साउंड बार रिकमेंड करूंगा नहीं क्योंकि ये साउंड बार ऑलरेडी अब खत्म हो चुकी है और अब यह अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है कंपनी के पास इसका स्टॉक नहीं है तो क्या ऑप्शन है आपके पास सिर्फ एक सोलो साउंड बार लेने की मैं आपको यह रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपको जो ऑडियो क्वालिटी सोलो साउंड बार से मिलेगी उससे बेटर ऑडियो क्वालिटी इसी प्राइस रेंज के अंदर मैं आपको अब रेकमेंड करने जा रहा हूं यह है ओबेज का डी टी ट्वेंटी वन ये साउंड बार नहीं है यह दो स्पीकर हैं जिसमें आपको दो सबर भी मिलते हैं 25 फाइव वॉट का एक कॉलम है यानी टोटल आउटपुट आपका बना 50 वॉट लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें 3 इंच के दो फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर्स और फोर इंच के दो सबवूफर्स लगे हैं और वो शानदार ऑडियो क्वालिटी का कमाल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें एस एन आर एट्टी की दी गई है और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 50 हर्ट से लेके 15 किलो हर्ट तक का है हाँ ये साउंड बार नहीं है और आपने एक साउंड बार का वीडियो क्लिक किया है पर मेरा मानना ये है कि आप जब अंडर 5000 कोई भी साउंड बार या फिर कोई भी स्पीकर देखते हैं तो आपकी इच्छा यह होती है कि आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिले और मैं आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी देने के लिए सिस्टम रेकमेंड कर रहा हूं। आप सबसे पहले इसका ऑडियो टेस्ट सुने और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको ऑडियो फाइल्स का लिंक दिया है उसमें आप डी टी ट्वेंटी वन की ऑडियो फाइल्स को सुने आपको उसके बाद अंदाजा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं आपने जो ऑडियो क्वालिटी अभी अभी सुनी उसे मैं अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं स्पीकर सेट में या फिर मैं ये कहूं कि एक साउंड बार की रिप्लेसमेंट स्पीकर सेट के अंदर आपको जो ऑडियो क्वालिटी मिल रही है वो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड ऑडियो क्वालिटी कही जाएगी इसके अंदर आपको लोअर बेस बहुत शानदार मिल रही है और अपर बेस बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है दोस्तों एक बात याद रखना कि बेस जो होती है वो दो तरीके की होती है एक लोअर बेस और एक अपर बेस लोअर बेस ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा फील होती है और वो बेस आपको कभी चुपती नहीं है उसमें आपको डिस्टॉर्शन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अपर बेस बहुत ज्यादा बूमी साउंड करती है और उस बूमी साउंड करने की वजह से आपको वोकल सुनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वही अच्छी बात है इस डी के अंदर कि आपको लोअर बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिल रही है और अपर बेस बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड इसके अलावा इसमें मिड्स और यानी मिड फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसी यानी ट्रेबल उसके अंदर भी किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है और उसे भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ट्यून करा गया है यह स्पीकर सेटअप अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि स्लाइटली वी शेप ऑडियो सिग्नेचर बना रहा है जो आपको एग्जैक्टली exactly चाहिए म्यूजिक में भी और अपने टीवी के साथ लगा के मूवीज को एंजॉय करने के लिए भी यस क्या इस स्पीकर में कोई कॉन नहीं है? है इस स्पीकर के कॉन्स के बारे में बात करें तो इसमें ना तो एच पोर्ट आपको मिलेगा और ना ही ऑप्टिकल अगर यह आपके लिए कॉन नहीं है जो कि मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए क्योंकि अंडर 5000 की कैटेगरी में हम देख रहे हैं चाहे एक साउंड बार या फिर एक अच्छा ऑडियो सिस्टम और इस ऑडियो सिस्टम का प्राइस है 4, रुपीज. तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको जो ऑडियो क्वालिटी इस सिस्टम में मिल रही है वो आपको किसी और साउंड बार या फिर किसी और टू पॉइंट वन सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगी याद रखिए आपका टारगेट है ऑडियो क्वालिटी को अच्छा लेना अपने टीवी के साथ लगा के मूवीज को एंजॉय करना और कभी कभी ब्लूटूथ से उसमें म्यूजिक को सुनना और आई थिंक दिस सिस्टम इज गोइंग टू रॉक अगर आप भी मेरे साथ इतफाक रखते हैं तो इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोर थाउजेंड रुपीज इज द प्राइस जरूर चेक करिए इसे बेस्ट साउंड साउंडर्स इन इंडिया की मेरी लिस्ट में नेक्स्ट बहुत सारे कंटेंडर हैं और वो हैं सिक्स टू सेवन थाउजेंड रुपीज की प्राइस कैटेगरी के अंदर इन सारी साउंड बार्स को मैंने कंपेयर किया और उनमें से जो विनर निकला वो है बोट 1500 या फिर बोट 1550 ये दोनों एक ही साउंड बार्स हैं एक फ्लिपकार्ट अवेलेबल है और दूसरी अमेजॉन पे इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है आपको जो सस्ती मिलती है आप वो लें जब मिलती है तब लें और इसका राइट right प्राइस भी आपको मैं बताऊंगा बोट की यह साउंड बार टू पॉइंट वन साउंड बार है और उसमें आपको चार स्पीकर ड्राइवर्स मिलते हैं और एक सब वूफर मिलता है और इस साउंड बार का टोटल आउटपुट बनता है वन हंड्रेड ट्वेंटी वॉट यह सब वूफर वायर्ड है और साउंड बार के साथ कनेक्शन होने के बाद इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती ऑडियो क्वालिटी में इस साउंड बार के अंदर इंच के अच्छे ड्राइवर्स लगे हैं और इसमें 6.5 इंच का सब भी लगा है और इसकी एस एन आर सेवन टू डेबल्स है थर्टी एट इंच के अंदर आपको एच डी एम आई ऑप्टिकल ऑक्स यूएस बी और ब्लूटूथ फाइव पॉइंट ओ की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी और यह साउंड बार काफी शानदार साउंड भी करती है पहले आपको सीधा ऑडियो टेस्ट सुनाता हूँ बोट 1500 साउंड बार का और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी आखिर है कैसी आपने जो ऑडियो क्वालिटी अभी इस साउंड बार में सुनी वो बहुत शानदार हैवी बेस ऑडियो सिग्नेचर की क्वालिटी है आपको इसके अंदर हैवी बेस देखने को मिलेगी और व्हेन आई एम सेइंग हैवी बेस तो इसमें ज्यादा लोअर बेस का यूज करा गया है और अपर बेस को भी थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है जिससे आपको बहुत ज्यादा फील होने वाली बेस भी मिले और थोड़ी सी बूमी बेस भी मिले ताकि आपको महसूस हो कि ग्राउंड इज शेकिंग एंड दैट इज वॉट पीपल नीड यही बोर्ड को पता है और इसीलिए इस साउंड बार का ऐसा ऑडियो सिग्नेचर दिया गया है मिड्स में किसी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और इसमें हाइज भी बहुत अच्छे से ट्यून करे गए हैं लेकिन देर इज वन प्रॉब्लम जो मुझे इस ऑडियो सिग्नेचर में लगी वो ये है कि आप जब रात को लेट से इन द नाइट इफ यू वांट टू वॉच मूवीज और उसके अंदर जब आप लो वॉल्यूम पे इसको सुनेंगे तो आपको बेस थोड़ी सी बूमी सुनाई देगी एंड दैट इज बिकॉज इसमें अपर बेस को भी थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो साउंड बार बहुत शानदार तरीके से साउंड करती है आप इसकी ऑडियो क्लिप्स को सुनेंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है तो आप समझ जाएंगे क्योंकि उसके अंदर याद है ना आपको मैंने एक मूवी की क्लिप को भी रिकॉर्ड करके आपको दिया है उसमें आपको डायलॉग्स और फास्ट सीक्वेंस यानी फाइट सीक्वेंस भी देखने को सुनने को मिलेगी और उससे आप इमेजिन या जज कर पाएंगे कि आपको कैसी ऑडियो क्वालिटी बोट की 1500 या 1550 फिफ्टी साउंड बार से मिलने वाली है इस साउंड बार का इस समय प्राइस जो मर्जी हो 8000 के आसपास है लेकिन ये 6500 हंड्रेड के आसपास सही प्राइस है और अगर आपको इस प्राइस के आसपास साउंड बार मिलती है देन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साउंड बार दैट यू कैन गेट इन दिस प्राइस रेंज मैं बाकी किसी भी और साउंड बार इस प्राइस कैटेगरी में उसे रेकमेंड नहीं करूंगा ओवर दीज टू एक्चुअली दिस वन क्योंकि एक ही साउंड बार है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नाम से अवेलेबल है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरी साउंड बार की लिस्ट में मिलेंगे साउंड बार लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए और आने वाली सेल में इस साउंड बार को जरूर खरीदिएगा सिर्फ मेरे लिंक से वही हमारे चैनल की बहुत बड़ी हेल्प होगी पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर और इंडिया in के अंदर अगर आप 7000 से लेकर 9000 के बीच में कोई एक साउंड बार लेना चाहते हैं तो ये हैं उसके कंटेंडर्स ये साउंड बार्स सभी अच्छी हैं बट मेरे हिसाब से बोट इंफिनिटी सैमसंग और मोटोरोला के अंदर बेस्ट है बोट 2000 और बोट 2050. अगेन ये दोनों बिल्कुल सेम साउंड हैं एक पे अवेलेबल है और दूसरी Amazon पे इनकी ऑडियो क्वालिटी ड्राइवर सब किसी में कोई भी फर्क नहीं है आपको जो सस्ती मिले जब मिले आप उसे ले सकते हैं याद रखिएगा मेरे लिंक से लेना है क्योंकि उससे इस चैनल की थोड़ी मदद होती है इस साउंड बार्स के अंदर आपको ऑडियो क्वालिटी भी बहुत शानदार मिलती है और इन साउंड बार्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 80 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं और 80 वॉट का ही सब मिलता है जो कि टोटल आउटपुट बनाता है 160 हंड्रेड का इस साउंड बार के अंदर आपको 2.25 इंच के स्पीकर ड्राइवर्स और 6.5 इंच का सब यूनिट देखने को मिलेगा और ये 72 टू की एसएनआर के साथ आने वाली साउंड बार है बोर्ड की सभी साउंड बार्स की तरह इसमें भी आपको एच डी एम आई ऑप्टिकल ऑक्स यूएसबी और ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट मिलेगी और यह साउंड बार 38 एट इंच वाइड है सबसे पहले ऑडियो क्वालिटी की बात करें बात क्या करते हैं आप ऑडियो टेस्ट ही सुनिए सीधा ऑडियो क्वालिटी जो आपको सुनने को मिली थी बोट फिफ्टीन हंड्रेड और फिफ्टीन फिफ्टी में से लेकिन वो थोड़ा सा इतना बड़ा है कि आप अगर उसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं और आपको वो समझ में सिर्फ तभी आ सकता है जब आप ऑडियो फाइल्स को चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स याद है ना उसमें आपको ऑडियो फाइल्स का लिंक दिया है उसे चेक करिए डाउनलोड करिए और ईयरफोन लगा के ऑडियो टेस्ट को सुनिएगा जरूर जो ऑडियो क्वालिटी आपने अभी अभी सुनी उसके अंदर आपको हैवी बेस मिल रही है मिड्स अच्छे हैं हाइज बहुत शानदार तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो इसलिए हो रहे हैं कि अपर बेस को 1550 की जगह जैसे 1550 में बहुत ज्यादा अपर बेस करी गई थी 2000 और 2050 में उसे थोड़ा सा कम कर दिया गया है इसके कम करने से क्या होता है कि लोअर बेस ओवर पावर होती है और वो बहुत शानदार बेस प्रोड्यूस करती है उस बेस से वोकल्स के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती चाहे वो मेल वोकल्स हो चाहे फीमेल आप ऑडियो क्लिप्स में सुनेंगे आपको मेल सॉन्ग्स भी मिलेंगे और फीमेल ऑडियो सॉन्ग्स भी मिलेंगे और उससे आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे और आपको मूवी क्लिप के अंदर भी बहुत ज्यादा सुनने में डिफरेंस पता चलेगा एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस साउंड बार एक और अच्छा प्रो है साउंड बार का और वो ये है कि इसमें आपको वायरलेस वायरलेसुफर मिलता है एंड दैट इज वंडरफुल बिकॉज अगर आपको तारों का झंझट नहीं चाहिए देन दिस इज द वन दैट यू शुड बाय एंड नाइन थाउजेंड रुपीज इसका प्राइस है विच इज डिसअपॉइंटिंग क्योंकि ये साउंड बार अप्रोक्सीमेटली सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज के आसपास कॉस्ट करनी चाहिए और अगर इस समय जब आप यह वीडियो देख रहे हैं यह प्राइस है इस साउंड बार का या इससे कम है बाय चांस तो प्लीज जल्दी भागिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस साउंड बार को मिस मत करिएगा कि जो ऑडियो क्वालिटी मैंने आपको बताई है वही आपको मिलने वाली है और आपके रूम के लिए यह बेस्ट साउंड बार हो सकती है

और आपको जो सस्ती मिले जब भी मिले उसे आप ले सकते हैं इस साउंड बार की खासियत में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा लेकिन इनमें आपको स्पीकर्स और स्पीकर मिलते हैं जिनका टोटल है सिक्सटी वॉट और सब वो का भी टोटल है सिक्सटी वॉट जो टोटल बनाता है वन हंड्रेड ट्वेंटी वॉट मैंने वन सिक्सटी वॉट की बोर्ड टू थाउजेंड और ट्वेंटी फिफ्टी को जेबरॉनिक्स की नाइन थाउजेंड और नाइन थाउजेंड वन प्रो से नीचे रखा है उसे नीचे रेट किया है ऐसा क्यों बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं और आपको इसका जवाब आगे जरूर मिलेगा जेबरॉनिक्स की इस साउंड के अंदर आपको 2.75 इंच के स्पीकर ड्राइवर्स मिलते हैं और 1 इंच और 8 ओम्स का ट्वीटर मिलता है इसके साथ आपको 6.5 इंच का सबूफर भी मिलता है और 72 टू की एसएनआर के साथ यह जेब्रॉनिक्स की साउंड बार आती है एक खास बात साउंड बार की यह है कि इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट मिलती है और, और यह साउंड बार थर्टी फाइव इंच में डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट है लेकिन मेरे लिए इस कॉम्पिटिशन में उसका होना या ना होना बिल्कुल एक बराबर है क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी वेटेज नहीं दे रहा बिकॉज दैट विल बी अनफेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स सीधा चलते हैं ऑडियो टेस्ट सुनते हैं उसके बाद आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा yes, आपको जो जबरदस्त क्लैरिटी इस ऑडियो टेस्ट में सुनने को मिली उसका कारण जानते हैं क्या है इस साउंड बार में मौजूद ट्वीटर्स ये ट्वीटर्स वन इंच के दो ट्वीटर्स क्या कमाल कर रहे हैं वो आपने ऑडियो क्वालिटी में सुना भी है और आप ऑडियो फाइल्स को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अगर उसे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे उसके बाद सुनेंगे एयरफोन लगा के तब भी आपको वो कमाल सुनने को मिलेगा क्योंकि ये ट्वीटर्स जितना शानदार हाई नोट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोई भी स्पीकर नहीं प्रोड्यूस कर सकता दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि ट्विटर का सिर्फ एक ही काम होता है हाई नोट्स को प्रोड्यूस करना ट्विटर वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं जो बहुत हाई रेंज फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सब ऊपर लो रेंज फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं और स्पीकर से हर तरीके का काम निकाला जाता है लो नोट्स भी मिड नोट्स भी और हाई नोट्स भी जिस भी साउंड बार या ऑडियो सिस्टम के अंदर ट्विटर की कमी होती है या ट्विटर्स नहीं होते उनमें स्पीकर का काम करते हैं और यहां पर क्या है स्पीकर भी हैं ट्विटर भी है और सबवूफर भी है इसलिए 120 ट्वेंटी वॉट की यह साउंड बार आपको जबरदस्त क्लैरिटी दे रही है इस साउंड बार के ऑडियो सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा लोअर बेस का यूज करा गया है अपर बेस को सीधा कट देके बहुत कंट्रोल करा गया है नोट्स बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं और उसके बाद हाई नोट्स के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल स्पाइक आ रही है और वो ब्यूटीफुल स्पाइक का कारण सिर्फ एक ही चीज है ट्विटर्स इस साउंड बार के अंदर आप जो मूवीज को एंजॉय करेंगे जो क्लैरिटी आपको सुनने को मिलेगी वो आपको किसी भी और साउंड बार में सुनने को नहीं मिलेगी अंडर टेन थाउजेंड एंड दैट इज माई गारंटी मेरे हिसाब से बोट मेरे ख्याल से जेब्रॉनिक्स की कोई भी और साउंड बार सैमसंग एंड मोटोरोला किसी के भी पास ऐसी साउंड बार नहीं है जो अंडर टेन थाउजेंड आपको ऐसी क्लैरिटी दे सके इस साउंड बार के अंदर एक और प्लस पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा आई एम सेइंग वेरी थोड़ा सा सॉरी वेरी वेरी लिटिल वर्चुअल सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा और वो इसलिए क्योंकि इस साउंड बार के अंदर अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स के होने का फायदा सिर्फ ये है कि जो भी स्पीकर्स ऑडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं ट्वीटर्स ऑडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो छत से टकरा के आपके कानों तक पहुंचेंगे इसलिए आपको ऐसा लगेगा वर्चुअली जैसे चारों तरफ से आवाज आ रही है एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस साउंड बार 120 वॉट के होने के बावजूद भी मैंने इसे 160 सिक्सटी वॉट की बोट टू और से इसीलिए ऊपर रखा है 10,500 थाउजेंड इसका इस समय प्राइस है और शायद यही प्राइस हमेशा रहेगा क्योंकि ये साउंड बार इतनी शानदार है और हमेशा इसी प्राइस पे बिकती रहती है आपको भी मिले तो इसे छोड़िएगा मत आपके टीवी में अगर एच डी पोर्ट है दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर योर टीवी अगर आपका बजट इतना है तो एक चीज हमेशा करने याद रखिएगा उसे मत भूलिएगाउंड बार लिस्ट में भी आपको दिया है उससे लीजिएगा बहुत ज्यादा अच्छी साउंड बार है ऑडियो फाइल्स का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसके जस्ट नीचे आपको साउंड बार लिस्ट का लिंक भी मिलेगा और उसमें आपको मेरे अफिलियट लिंक मिलेंगे जिससे कुछ भी खरीदने पे आपके प्राइस को चेंज करे बिना इस चैनल की फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद होगी लेकिन आप क्यों इंटरेस्टेड होंगे इस चैनल की फाइनेंशियली मदद करने में जबकि आपका प्राइस तो वही रहने वाला है फिर भी आप क्यों करेंगे वो इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ अनस्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट देखने को मिलता है हम किसी ब्रांड से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते और आप ही हैं जो इस चैनल को चलाते हैं हम इस चैनल को खुद नहीं चला सकते हमें सैलरीज देनी है और हमें सबको सपोर्ट करना है हम ऑडियो टेस्टिंग जो करते हैं वो साउंड बार्स को खरीद के करते हैं इन साउंड बार्स को हमने खरीदा और इस वीडियो को बनाने में हमें वन एंड हाफ मंथ से ऊपर लगा हम डब्बा खोल वीडियोस नहीं बनाते हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद आप तक वो ऑडियो फाइल्स लेके आते हैं जिनमें आपको ऑडियो के वो नुआंस पता चलते हैं जो आप कभी भी ऑनलाइन पता नहीं कर सकते अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो उन लिंक को भी यूज़ करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को और अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा या फिर आप मेरे सोशल मीडिया पे आ सकते हैं वहां पे कोई भी डीएम करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और 48 एट आवर्स के अंदर एंड आई गारंटी यू 48 एट आवर्स के अंदर आपको आपका जवाब मिलेगा ही मिलेगा और आई थिंक आपको ये दो वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं इन्हें भी जरूर देखिएगा थोड़े लंबे वीडियोस हैं लेकिन आपकी पसंद में जरूर आएंगे और मैं मिलता हूं आपको बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि एक अच्छी 5.1 साउंड बार का होने वाला है थैंक यू वेरी मच ये तो हुई बजट साउंड बार्स लेकिन अगर आप प्रॉपर फाइव चैनल सराउंड साउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं सिनेमेटिक एक्सपीरियंस तो आपको मेरा आने वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए